राम राम सारे भाईजान है, वेलकम टू आर चैनल राठी के व्लॉग्स। मैं मोहित राठी, उम्मीद करता हूँ आप लोग मौज में होंगे। भाई अपने विकास कट रहे हैं, तो भाई आज अपने सामने खड़ी है फॉर्चुनर लेजेंडा। ना 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 खा गए धोखा भाई, ये है फॉर्चुनर 2019 मॉडल। भाई ने लगवा रखी किट, तो भाई आज और कुछ नहीं, ओनरशिप रिव्यू लेते हैं सिंपल। आ जाओ भाई। राम राम भाई, क्या हाल है? तो भाई फॉर्चुनर, भाई पहला मेरा क्वेश्चन ये है भाई, पहला कि यही क्यों? भाई क्योंकि इस रेंज में पहले एंडेवर आती थी, अब तो एंडेवर बंद ही हो चुकी है। हाँ। फॉर्चुनर भैया नाम पहले ही फॉर्चुनर का ज्यादा है। अच्छा भाई, फॉर्चुनर ली है। भाई ये किट लगवा रखी है आपने आफ्टर मार्केट, तो भाई आफ्टर मार्केट किट ये कितने की पड़ी आपको? ये पड़ी 1.8 लाख। अच्छा भाई, तो भाई इसमें मिलता है हमको 2755 सीसी का इंजन, 500 NM की टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 201 की BHP। तो भाई बाहर से कुछ इस प्रकार की स्मोक आ रही है, पीछे की भी किट भाई पूरा है भाई, पीछे की ये किट है। अच्छा भाई, भैया आप फिर करवाया था टेल लाइट भी लगवा लेते? टेल लाइट भी लगवाएंगे। अच्छा भाई, तो भाई आ जाओ अंदर बैठ के बात करते हैं। भाई इस टाइप का हमको इंटीरियर मिलता है इसमें। भाई ऑटोमेटिक है ये? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक क्यों भाई? क्योंकि यार मैनुअल तो बहुत टाइम पहले ही छोड़ दी, ऑटोमेटिक ही रहते हैं, इतना ट्रैफिक होता है अपना दिल्ली यूपी में इसलिए। अच्छा भाई, भाई 4x4 4x2 4x2 4x4 ही ले लेते भाई। हाँ, उसमें बुकिंग ज्यादा थी उस टाइम, तो 4x2 ले ली। अच्छा, कितने की पड़ी भाई आपको ये? ये उस टाइम पड़ी थी 38 की। 38 की, तो भाई डीजल? डीजल। क्या एवरेज दे रही है ये? दे रही है 10-11 की दे रही है। संतुष्ट हो? हाँ सही है, और क्या और क्या चाहिए। तो भाई सर्विस कॉस्ट जैसे बोलते हैं टोयोटा का, मेंटेनेंस लो होता है, इसलिए ज्यादातर जनता एंडेवर को छोड़कर फॉर्च्यूनर लेते हैं। सही बात है ये? सही बात है, इसकी सर्विस कॉस्ट 8,000, 9,000, 10,000 ऐसी हो जाती है नॉर्मल। अच्छा भाई जी, तो भाई कितने चला दिया आपने ये? चला दी 39,000 2019, अभी तो 3 साल है, कोई इशू नहीं है भाई। भाई आप जैसे देख रहे थे, आपने स्टार्टिंग से मन था फॉर्च्यूनर का, और इस रेट में आपने और कोई गाड़ी देखी थी? हाँ देखी थी, पहले अल्टुरस देखी थी, उस टाइम नई अल्टुरस आई थी। अच्छा, बट वही था, वो चले या ना चले नाम नहीं था। हाँ, एक तो और एंडेवर की थोड़ी मेंटेनेंस आई है। अच्छा, इसलिए फिर हमने फॉर्च्यूनर ले ली। अच्छा भाई, और इसकी रीसेल भी ज्यादा है। हाँ भाई ये तो है, रीसेल भाई नाम है, ब्रांड बन चुका है फॉर्च्यूनर। तो भाई आप मेरे को ये बताओ, इसमें अभी तक आपको कोई ऐसा लगा है नेगेटिव पॉइंट की भाई गलती कर दी है लेके, या फिर कुछ लगा हुआ इस टाइप में आपका? नेगेटिव पॉइंट तो नहीं लगा, इसमें थोड़े फीचर्स कम है। अच्छा भाई, ऐसे इसमें सनरूफ नहीं है, एंडेवर में सनरूफ आती सबसे है। सबसे बड़ा भाई यही है जो इनका कंपैरिजन करता है, सबसे ऊपर यही पॉइंट रखा जाता है, सनरूफ नहीं है। अच्छा भाई, बाकी और नेगेटिव तो कोई है नहीं, सही है। बाकी इसमें हमने एमबीएंट लाइटिंग भी लगवाई है बाहर से। अच्छा, बाहर से आपने भाई काम भी करवा रखा है, अभी तो क्या ही दिखेगी भाई, दिन में क्या ही दिखेगी वो एम्बिएंट राइड। तो भाई और इसमें आपको भाई ये बताओ मेरे को, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है कि 2019 मॉडल के हिसाब से मेरे को ये इसमें मिला है इस रेट में? पॉजिटिव्स तो इसमें सब कुछ ही है, मतलब नॉर्मल चीजें जो होती है, जैसे इसमें इकोनॉमिक मोड, पावर मोड है, पावर अच्छा। मोड में पिकअप थोड़ी बेटर आती है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। हाँ भाई। और वो है जैसे हम रेड लाइट पे रुकते तो गाड़ी ऑफ हो जाती है, बैटरी पे आ जाती है। अच्छा, ये है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ का। अच्छा, ये सिस्टम है भाई इसमें। नेगेटिव है कि लास्ट वाली सीट में स्पेस नहीं है, वो बिल्कुल ही यूजलेस है। अच्छा भाई, तो भाई ऑफ फॉर्च्यूनर ऊंची गाड़ी SUVs में आती है, ऑफ रोडिंग करके देखिए कभी? नहीं, हमारा होता ही नहीं ऑफ रोडिंग का बिल्कुल भी, हम तो लोकल ही चलाते हैं। अच्छा भाई, और भाई कौन सी गाड़ी ऑन करते हो आप? और हम पे सिटी होंडा है, अच्छा भाई कंपस है, ऑडी है और इनोवा है। ये उनसे बाद में लिया? क्या फॉर्च्यूनर? हाँ भाई। नहीं नहीं, पहले हमने ली थी सिटी, फिर अच्छा फिर हमने फॉर्च्यूनर ली थी, हम पे पहले वाली फॉर्च्यूनर थी हमारी चोरी हो गई थी। अच्छा, तो फिर हमने ये नई वाली ली। जब भी आप फॉर्च्यूनर पे ही गए? बिल्कुल बिल्कुल, चोरी होने के बाद भी फॉर्च्यूनर पे ही गए, मन इसी का था। अच्छा भाई, नई वाली उस टाइम बिल्कुल लेटेस्ट आई थी, तो वो ज्यादा पसंद आई थी हमें ये वाली। अच्छा भाई, तो भाई फिर अब आपने जैसे इसमें किट लगवा रखी, अब आपने लेजेंडर देखी है,
तो क्या सोचा है? मन करता है कि लेजेंडरी ही ले लूं इसको बेक के ना। अब तो किट लगवा ली, अब तो सेम ही लगती है, बस सेम है। की लाइट है वो भी चेंज करा ली। हाँ, थोड़ा इंजन वाइज भी सेम सही है, सब कुछ सेम है उसमें, बस थोड़े बहुत फीचर्स में फास्ट चार्जर दे दिए इन्होंने, थोड़ा स्पीकर्स अच्छे दे दिए, वो वायरलेस चार्जर दे दिया, वो जो ये वरना वरना सब में आता है, ये बात है। वायरलेस चार्जर तो बाहर से भी लग जाए, अब वो बाहर से लगवा लो, पर वही बात है। अच्छा, तो भाई सर्विस कॉस्ट हो गई आपकी, ये हो गए पॉजिटिव पॉइंट, हो गए नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। तो भाई अभी कुछ अपग्रेड करने का मन नहीं, इससे ऊपर जाने का मन हो किसी अभी तो पे? कोई है नहीं, अभी तो हमने रिसेंटली लास्ट ईयर ऑडी ली है। अच्छा, अभी तो इसको आप पूरा रखोगे? अभी ये डीजल है जैसे अपने यहाँ पर भी रूल लागू होता है 10 साल वाला। अच्छा, तो अभी फुल रखोगे या फिर 7-8 साल तो रखेंगे? अच्छा भाई, उसके बाद देखेंगे चेंज करने। तो वही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल राठी के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।